अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी दीवान असगर फ्रॉम फ्रेंड्स प्रॉपर्टी नेटवर्क बैरियर टाउन लाहौर। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारे पेज पर आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट रियल इस्टेट मिलती रहती हैं। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है नियम 2, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ नियम 2 के जो CEO हैं उमर भाई, वो हमारे पास मौजूद हैं। काफ़ी मुश्किल से इन्होंने अपना जो कीमती वक्त है वो हमें दिया है। तो सबसे पहले हम उमर भाई से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आपको इसके हवाले से, बिल्डिंग के हवाले से, इस एरिया के हवाले से और जो क्या क्या यहाँ पे मामला है, सारी चीज़ों के हवाले से आपको ब्रीफ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं उमर भाई से इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के हवाले से पूछ लूँ कि इन लोगों ने, क्योंकि अक्सर हमारे क्लाइंट की क्यूरीज होती हैं कि इन्होंने पहले क्या डिलीवर किया, क्या मार्केट में इन्होंने दिया है। तो जी उमर भाई, आप कुछ बताना चलेंगे? सबसे पहले आपका कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो आप हमें अपनी हाइट के हवाले से कुछ बता दें, अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के हवाले से बता दें, फिर हम अपने ऑडियंस को जो है वो बताएंगे कि क्या मामला। जवानी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इसमें थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोगों का ये सेकेंड प्रोजेक्ट है बैरियर टाउन में नियम 2। इससे पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अपना नियम 1 डिलीवर किया है सराई चौक के साथ। वो भी एक 5 मरले के ऊपर बिल्डिंग थी जो हमारी पिछले साल मई में पोजेशन उसका आ गया था। थोड़ा ज़रा मैं आपको अपनी हिस्ट्री का बताऊं कि हम बैरियर से आउटसाइड भी हमारे ऑल ओवर पंजाब इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो हमने मेजर अपने जो लैंडमार्क कुछ कम्प्लीट किए हैं उसमें आपका DHA आ जाता है। DHA में हमने तकरीबन कोई 8 से 10 मस्जिदें बनाई हैं। उधर हमने पूरा जो एरिया डेवलपमेंट वर्क है फेज़ 1 से फेज़ 4 का सीवरेज हमने किया है। शौकत खानम हमारा क्लाइंट रह चुका हुआ है, उसके साथ हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं। बीकन हाउस स्कूल में हमने काम किया है। तो ये पंजाब में हमने इस तरह के बड़े जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, इस वक्त करंटली हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स इनके कर रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट्स की हमारी वहाँ पर एग्जीबिशन इस वक्त चल रही है। तो हम लोग जो है बेसिकली कंस्ट्रक्शन से डेवलपर आए हैं। ये कंस्ट्रक्शन हमारी बैकग्राउंड में सारी, हमें कंस्ट्रक्शन की A to Z हर चीज़ का हमें इसका पता है कि एक प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसको किस तरह डिलीवर करना है। ठीक हो गया, ठीक है जी। उमर भाई का थैंक यू सो मच। आज इनकी जी यहाँ पे जो ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर था उसका जो लेंटर है वो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ग्राउंड इनका कंप्लीट हो चुका है। अब ऊपर फर्स्ट की तरफ ये रागी इंशाल्लाह ईद से पहले पहले जो है वो अपना फर्स्ट फ्लोर भी इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, ये इनका वादा है। तो उमर भाई का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, थैंक यू सो मच उमर भाई। इसके अलावा मैं बिल्डिंग के हवाले से आपको बताता चलूँ जी, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये तलहा ब्लॉक में जी इसकी लोकेशन है और मेन कमर्शियल मेन बुलेवार्ड के ऊपर इसकी ये जो हाइट है ये आ रही है। डिगिंग इसकी स्टार्ट हुई थी जनवरी के अंदर, स्टार्ट होने के बाद जनवरी फेब गुजरने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपका ग्राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट फ्लोर की तरफ ये जा रहे हैं, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी ये बिल्डिंग है जी। बेसमेंट और ग्राउंड के ऊपर जो आपको कमर्शियल देखने को मिलता है और आगे अगर आप ऊपर बात करते चलें तो आपको जो है वो 1 बेड अपार्टमेंट मिलते हैं। इसके अंदर जो सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो आपको 1 बेड अपार्टमेंट है जनाब, वो आपको दोनों अपार्टमेंट जो है वो, यानी कि बैक साइड का कोई अपार्टमेंट नहीं होगा, दोनों 1 बेड जो अपार्टमेंट्स हैं, यानी कि हर फ्लोर पे आपको 2 बेड 2 बेड 1 बेड 1 बेड 2 अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे और दोनों अपार्टमेंट का जो फ्रंट है वो फ्रंट साइड पर ही होगा और जो बैक है वो बैक साइड पर होगी। ये सबसे इसकी खूबसूरत बात है। फ्रंट की अगर हम बात करते चले तो 40 फीट का जिसका फ्रंट है और अगर पीछे डेप्थ की बात करते चले तो वो 30 फीट की इसकी जो डेप्थ है। और अगर हम शॉप्स की बात करते चले जो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर शॉप्स हैं, बहुत ही मज़ेदार, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट से पहले सबसे पहले ये देखा जाता है कि जहाँ पे हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे कम्युनिटी कितनी है। बाद अगर आपको मैं राउंड में दिखाता चलूँ एक सर्कल में कि आप देख सकते हैं कि तलाब ब्लॉक में जो है वो इस टाइम कितनी कम्युनिटी आबाद है और जो यहाँ पे लोग हैं वो 50 से 60% लोग जो हैं वो यहाँ पर आबाद हैं। सराउंडिंग में आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो है आपके सामने घर मौजूद हैं और यहाँ पे लोग जो हैं वो रह रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छा, अगर इसके हम अप्रोचेज़ की बात करते चलें जी, ओवरसीज़ सी और ओवरसीज़ बी एक्सटेंशन से भी इसको अप्रोच, यानी कि AA वाले गेट पे आप इजीली जा सकते हैं। और अगर हम इसकी अप्रोच की बात करें यहाँ से टूवर्ड्स आइफल टावर घोड़ा चौक से, तो आप घोड़ा चौक आइफल टावर इम्तियाज़ PSO पम्प भी आपके बिल्कुल करीब है। और अगर हम स्वी गैस से इसकी बात करें तो आप पीछे टूवर्ड स्वी गैस की तरफ से निकल के रायवन रोड जाती उमरा पे भी जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा है, आपको हमारी स्क्रीन पे पेमेंट प्लान शो हो रहे होंगे। ग्राउंड फ्लोर पर हमारे पास एक शॉप अवेलेबल है, हम लोग इनके ऑथराइज फ्रेंड्स प्रॉपर्टी नेटवर्क जो है वो इनका ऑथराइज सेल्स पार्टनर है। अगर आपने किसी किस्म की यहाँ पे क्यूरी, आपको आपने यहाँ पे शॉप बाय करनी हो या अपार्टमेंट बाय करना, आप नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। पेमेंट प्लान आपके सामने है, 1 बेड जो है आपको यहाँ पे अपार्टमेंट है वो 69 से 70 लाख तक जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। और अगर हम शॉप की बात करते चले जो कि ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ एक ही हमारे पास शॉप अवेलेबल है, जिसका जो फ्रंट है वही सिर्फ आपके पास 15.5 फुट का फ्रंट है और एक बहुत ही खूबसूरत शानदार शॉप आपको देखने को मिलती है।
बैरियर टाउन में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अभी आप देख सकते हैं पीछे जो है वो कंस्ट्रक्शन जारी है सारी। अगर इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करता चलूँ, आप देख सकते हैं बिल्डिंग में जो पाइप यूज़ किया गया है, अगर दूसरी सराउंडिंग में भी हमारे सामने एक बिल्डिंग बन रही है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि लकड़ी का काम, यानी कि लकड़ी के जो उन्होंने वो लेंटर जो है लकड़ी की मदद से डाल रहे हैं। मगर इससे ये होता है कि जब आप ऊपर सीमेंट या पोरिंग करते हैं तो ऊपर वजन की वजह से वो जगह बैठ जाती है, लेकिन जब आप ये लोहे के पोल्स इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का कोई चांस नहीं होता। आपकी जो एक लेवल है वो वही बरकरार रहता है जो आपने स्टार्ट रखा होता है। तो डेवलपर की यही निशानी होती है जनाब, उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं, ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं और तब इन्वेस्टमेंट की जाती है ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो। प्रीवियस प्रोजेक्ट इन्होंने 1.5 साल का पेमेंट प्लान था, साल में डिलीवर किया, ये भी इंशाल्लाह इनका पेमेंट प्लान टाइम से पहले डिलीवर करेंगे, ये इनका इंशाल्लाह वादा है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने प्रीवियस इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए बहरिया में, ये क्यों नहीं है। इन्होंने पहले बहरिया की मार्केट को स्टडी किया अपने प्रोजेक्ट नंबर 1 नियम 1 को डिलीवर करते साथ। अब इन्होंने जब इनको पता लगा कि बहरिया की मार्केट ऐसी, अब इन्होंने नियम 2 डिलीवर किया कर रहे हैं और इसके बाद ये अच्छे प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह बहरिया टाउन में लेके आएंगे। तो जो क्लाइंट अभी से इनके साथ जुड़ जाएगा एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेगा। 1 बेड अपार्टमेंट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जी, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हमारी रिहाइश बहरिया टाउन लाहौर के अंदर हो, यानी कि अच्छी कम्युनिटी देखने को मिले और बंदा कमाता भी इसीलिए कि उसको एक अच्छी कम्युनिटी, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा एक स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड मिल सके। 5 मरला जो घर है वो 2 से 2.5 करोड़ रुपये में आपको यहाँ पर मिलता है, लेकिन अगर आप 1 बेड अपार्टमेंट एक छोटी फैमिली रहना चाहती है, अगर वो 1 बेड और 1 बेड साथ ले ले और दरमियान की जो दीवार है अगर उसको तोड़ दें, आप 2 बेड आराम से इजीली बना सकते हैं, तो एक अच्छी फैमिली जो है वो यहाँ पर रह सकती है। स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर आप दीवान असगर से रब्ता कर सकते हैं। दीवान असगर को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।